Assalamu alaikum and good evening students. How are you? I hope you are doing well. And again I am saying you stay home, stay safe. Okay beta, this chapter is from your class 9th book and this is our second chapter, Shabdul Latif Bitai. As I have told you that we don't have time to read entire chapter in one video or one lecture. So I'm gonna summarize it for you. So beta, this is about Shabdul Latif Bitai, and as you know, Islam is the religion of peace. Islam jo hai wo aman ka ek paigham hai. Islam jo hai wo ek aman ki baat karta hai, mohabbat ki baat karta hai, peace ki baat karta hai. Allah taala ne bahut sare prophet, bahut sare paigambar, आपको पता ही होगा 124,000 पैगंबर भेजे ताकि वो इंसानियत की खिदमत कर सके और उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा सके. ही वन पीपल्स हार्ट्स बाय हिज काइंड नेचर एंड जेंटल वेज. यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए एक ब्लेसिंग, एक नेमत, एक रहमत बनाकर भेजा था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिल जीते. कैसे दिल जीते? अपने नर्म और मोहब्बत भरे नेचर से और लोगों के काम आकर. आपको पता ही है कि लोग उन्हें अमीन और सादिक कहा करते थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोबल एग्जांपल जो थी वो बहुत सारे फॉलोअर्स उनको फॉलो करते थे. जैसे सहाबाए कराम थे, बहुत सारे लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देख कर, उनकी सच्चाई को देख कर उनको फॉलो करने लगे थे और इस्लाम ले आए थे. तो उनके जो फॉलोअर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर जो थे, वो हर दौर में मौजूद रहे और पूरी दुनिया में फैलते गए. कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे एफ़र्ट्स उन लोगों के भी थे जो सूफ़ी लोग थे, जिन्होंने अपनी सच्चाई और अपने किरदार से इस्लाम को दूर दूर तक फैलाया. और ये सारे लोग जो थे वो सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे. किस चीज़ के अंदर कामयाब रहे? लोगों को नॉन मुस्लिम से इस्लाम के दायरे में दाखिल करने में. सो इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री देर आर श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स. जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान में जगह जगह पर ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ार मौजूद हैं. जैसे लाहौर में जो है वो दाता गंज बख्श और मियां मीर साहब हैं. पाक पतन में जो है वो बाबा फरीद का श्राइन मौजूद है. मुल्तान में गौस बहाउल हक हैं. पेशावर और कोयटा में, हर जगह तकरीबन काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज़, देर आर टॉम्स ऑफ दिस मैन ऑफ गॉड. अल्लाह ताला के वली, अल्लाह ताला के प्यारे लोग जो सूफ़ी थे, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत काम किया, जगह जगह पर उनके श्राइन्स जो है वो मौजूद हैं. सिंध में हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ़ और लाल कलंदर लाल शहबाज का मज़ार मौजूद है. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई. So the great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. हम जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिनको उनके जो मुरीद थे, उनके चाहने वाले थे, वो उनको लाल लतीफ़ कह के पुकारते थे. वो कब पैदा हुए? 1102 में. एक बहुत छोटा सा विलेज था, एक छोटा सा गांव था हाला हवेली के नाम में, वहाँ पर वो पैदा हुए. द गुड मुगल एम्परर औरंगज़ेब दैन रूल द कंट्री. औरंगज़ेब के ज़माने में, जब कंट्री को औरंगज़ेब रूल कर रहे थे, मुग़ल बादशाह थे, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो एंसेस्टर्स थे, जो उनके आबा अजदाद थे, वो सिंध माइग्रेट हो गए थे. और उन दिनों में जो है वो तैमूरलंग, यानी कि तैमूर लंग की जो है वो उस वक्त यहाँ पर हुकूमत मौजूद थी. तो वो हिजरत करके आए थे और सिंध में जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम कल्चर था, और उनके जो आबा अजदाद थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के, उनको ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं अपना घर बनाने का फ़ैसला कर लिया. सो इफ़ मैनी सेंचुरीज